हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 जो है रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड। मीन्स हम लोग के पास क्वेश्चन दिया हुआ -2/3 (3/5) +5/2 -3/5 (1/60)। तो इसे हम लोगों को सॉल्व करना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोग इसको अरेंज करते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे और यहाँ पे देखोगे कि इसमें कॉमन क्या है, -3/5 है, यहाँ पे भी 3/5 है। तो इसको हम पहले अरेंज करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2/3 (3/5) -3/5 (1/6)। हम लोग इसको अलग कर देते हैं एंड बचता है यहाँ पे क्या, 5/2। तो देखो इसको जिस तरह से हम लोग अलग किए हैं, ये होता है, ये हो रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो लोग प्रॉपर्टी का नाम लिख लेते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इसमें जो नंबर कॉमन है और इसमें जो नंबर कॉमन है उसको हम लोग बाहर लिख सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है, -3/5 को हम लोग बाहर लेते हैं, क्योंकि 3/5 इसके साथ भी यहाँ पे माइनस है एंड इसके साथ भी यहाँ पे माइनस है, इसलिए हम लोग -3/5 को बाहर लिखते हैं। तो ये ब्रैकेट में क्या बचता है, 2/3 +1/6 +5/2। इसमें भी प्रॉपर्टी यूज़ हो रहा है, इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ हो रहा है, तो इसमें यूज़ हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप पहले भी पढ़े हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है a(b+c)=ab+ac। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3/5 इंटू, इसको हम लोग ऐड करते हैं तो 6 और 3 का एलसीएम हो जाता है 6, और 3 को 6 से डिवाइड करते हैं तो आता है 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 (2+1)(1)+5/2 एंड इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है -3/5 (4+1)(5)+5/2। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -6/5 (5/6)+5/2। तो देखो यहाँ पे ये 5 से ये 5 कट जाएगा, 3 के टेबल में 6 जो है वो 2 टाइम्स में आता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2 (+5/2) एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1/5/2 (4/2)। इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी कि हमारा आंसर जो है वो आता है 2। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं पार्ट 2।